भाई आजाद साहब मैं इतना ज्यादा सुंदर था, सर आपसे भी सुंदर। मैं सिद्ध करूंगा सर, और आप कहेंगे कि तू ही सुंदर था। सर मैं इतना सुंदर था, जब मैं हुआ, जब पापा बता रहे तेरे को बेटे सफेद चादर में लेटाया तो नू लग रहा था जान बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। सुबह नरसाई बोली इसमें ग्रीस कौन बांध के। अच्छा मेरे को तो आशीर्वाद भी यूं मिला करते, अंधेरा कायम रहे। और ये सर आपके बच्चे मुझे बहुत फिट लग रहे हैं, जिम जाते होंगे? मैं भी जिम जाता था, बाइसेप्स थे मेरे, मसल्स थे, वी शेप में बॉडी थी। सर फिर मैं जिम जाते जाते जिम छोड़ के मैं जिम ने जाने लग गया। फिर मेरे डोले गोले हो गए, मसल कटल हो गए, सिक्स पैक एग बोग, कमर कमरा हो गई, हालत खराब हो गई। लेकिन ये सब बदलाव का दौर है, अभी थोड़ा सा मजबूत रहोगे तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे ना। अभी जीवन में अपने आप को मजबूत सोचेंगे जभी तो अच्छा होएगा। लेकिन एक बात बहुत शानदार कही थी भाई ने कि माँ का जान रखना चाहिए, क्योंकि माँ का प्यार 9 महीने सबसे ज्यादा होता है, कोई कितना भी बोले, ठीक है ना। मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, वो भी हरियाणा की है, पता है नांगल नूनिया है सर, यहाँ एक नांगल चौधरी के पास, वहां की है मेरी मम्मी। तो एक जैसे कोई भी बात करेगी तो बड़ी मजा किया, उनसे सेंस ऑफ ह्यूमर डेवलप हुआ हमारा। जैसे कोई भी बात होगी, एक दिन मैं मिसेज से कहता हूँ अब तो कन्याकुमारी घूम के आएंगे डार्लिंग। मेरी मम्मी पीछे सुन रही थी, बोले भाई सुबह जल्दी निकलियो, दोपहर तक रोटी बनानी। उसको लगता है कोई बस कन्या धोक के आ रहे होंगे। तो वो बहुत अजीब सा माहौल होता है। लेकिन एक साहब, एक छोटी सी मैं रचना सुनाना चाहता हूँ। जमीन किस तरह महंगी होगी सर, कि जो जमीन मिलती थी सैकड़ों में उसका भाव कई हजार हो गया, जो रह गया कल के फेर में वो तो ठन ठन गोपाल मेरे यार रह गया है, जो ना डरा और ले मरा थोड़ी सी जमीन इस शहर में वो तो जमींदार मेरे यार हो गया है, और इस जमींदार ने मारे हैं कितनों के हक विकार हो गया है, घर घर में प्रॉपर्टी के दलाल हो गए हैं, समझो 2% तो आपके हलाल हो गए हैं, ये अपने बाप को भी प्लाट दिलाएंगे तो 2% तो खाएंगे खाएंगे। और ऊपर नीचे से कितना डकार जाएंगे, जब डैडी को नहीं बताते तो आपको क्या बताएंगे। अच्छा हालत कैसे हो गई है साहब, जिसके घर में नहीं थी रही, उसके घर भी वॉशिंग मशीनें आ गई हैं कई। अब वॉशिंग मशीनों का उद्देश्य हल नहीं हो रहा है, अब वॉशिंग मशीन कपड़ों की जगह छाछ भी लो रहा है। सर हमारे उधर एक चाकसू कस्बा है, उसमें मैं गया, 20 भैंसे घर घर घी ऊपर, हालात बदल गई। जिसको नहीं मिलती थी रोटियां वो भी तोड़ रहा है बोटियां, जो यूं ही फिरता था भुक्कड़ वो भी खा रहा है कुक्कड़, और जिसकी कोई वक्त नहीं थी डियर वो भी पी रहा है बियर, और बुढ़ा भी जवान हो गया है जब से उसकी जमीन का भाव आसमान हो गया है। इस जमीन के भाव की बात बड़ी निराली है, जेब भले ही भर गई नोटों से पर जेब के नीचे का दिल आज भी खाली है, आज भी खाली है, आज भी खाली है। कौन सा शानदार, ये वही माला है जो पसीने में हो रखी सबको पहना रहे परेश भी है। तो वो कहा बात में किसको पहनाएगा। देखो हमेशा अपने को हंसी के साथ साथ संस्कार की छोटी छोटी बातें भी करनी चाहिए। सर मैं बहुत संस्कारवान आदमी हूं, मैं जो रचना सुनाऊंगा ये बहुत संस्कार रचना है, कि हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो, हम दो हमारे दो माँ बाप को बाहर फेंक दो। पर जब जब ये फॉर्मूला दोहराया जाएगा तो चार का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। तो घुमा फिरा के बात करो नहीं चाहिए, लेकिन समाज की बात भी करनी चाहिए। सर आजकल मैं रोड सेफ्टी पढ़ाता हूँ, वो बच्चे ऐसे तो सुनते नहीं है, मगर सर ये बच्चे बहुत तेज चलाते हैं, ये चलाते हैं धूम मचा ले, ऐसे चलाते हैं धूम मचा ले, बाद में गोडे टूटते हैं मम्मी बचा ले। अच्छा रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या भगवान उठा ले, भगवान भी फुर्सत में नहीं, थोड़े दिन ऐसे ही चला ले।
कहते शुरू में सर ऐसे चलते हैं बच्चे तने हुए, यूनिवर्सिटी आते हैं बहुत फास्ट आते हैं, उनको भी कहना चाह रहा हूँ ऐसे चलेंगे शानदार चलेंगे भी तो उन बात करेंगे अक्षय कुमार की जैसे ही हुआ ना, बाद में भी बहुत सुंदर चलते हैं, मॉडल की तरह चलते हैं। कौन से मॉडल की तरह? दुर्योधन के रोल मॉडल थे ना शकुनी मामा। देखो मैं चल के बताता हूँ कैसे चलते हैं। पहले चलो धूम चलो यो है, बाद में चलेंगे ना शकुनी मामा की तरह, यहाँ पकड़ा हाथ भांजे ताड़िया कमजोर है यार ऐसे मजा नहीं आता। अच्छा आप सोच रहे हो कि ये भांजे वाला क्यों सिखाया, ये पेंट मेरी ढीली है तो भाने भाने मैंने ऊपर मेरा वो टूट गया था बेल्ट यार, मैं क्या करूं, मैं परेशान हूं मेरे। लेकिन एक बात तो सही है, हर बदलाव का दौर है भाई। अभी पहले तो मैं बिल्कुल फिट था, अच्छा लगता था, धीरे धीरे अनफिट हो जाता आदमी। सर शादी से पहले मैं सिरनाथ जी महाराज था, फिर नाथ, फिर अनाथ, फिर बच्चे होते गोरखनाथ, ऐसे ही मेरी मिसेज थी, बहुत अच्छी थी सर, चंद्रमुखी, सारे दिन लिपस्टिक रगड़। उसके बाद चंद्रमुखी, थोड़े दिन बाद सूरजमुखी, अब ज्वालामुखी। ए मेरे को बोल रही है कि तू सेंट्रल यूनिवर्सिटी की छत पर चढ़ के कूद जाना, तू भी सुखी। खूब शानदार प्रोग्राम रहा था, आप सुखी सुखी जाते हैं घर। ये सितारों को आंखों में महफूज रखना, बड़ी दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर है हम भी, किसी रोज फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।